और अब बात जातीय गणना की, जिसको लेकर खूब सियासी बयानबाजी भी की जा रही है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, उससे एनडीए के ही कई साथी असहज हो गए। जाति जनगणना पर तकरार, अब आर्यपाल। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और वजह बनी है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। सबसे पहले वो सुनिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ और उस वक्त भी जब राज्य में इस विषय को लाया गया था, उस वक्त भी अलग होने के बावजूद भी मैंने इसका समर्थन किया। और मुझे लगता है कि जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी मुझे लगता है सरकारों के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जाए। सामाजिक तौर पे इसको सार्वजनिक करने का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आंकड़े सिर्फ सरकार के पास होने चाहिए, योजनाओं की ड्राफ्टिंग में इसका लाभ होगा। बट हाँ, जब सार्वजनिक होते हैं तो कई बार उससे भेदभाव बढ़ता है। चिराग का यह बयान सामने आया तो घमासान मच गया। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, ऊपर से नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी चिराग के बयान पर सवाल उठा दिया। सब कुछ प्रकाशित होना चाहिए, सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। सब कुछ जब पारदर्शी हो रहा है तो बिल्कुल पारदर्शी भी बनाया जाना चाहिए। और सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करने से नहीं होता है, उसके लिए काम करने से होता है, जैसा काम बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री ने किया। जब एनडीए के साथ ही जेडीयू ही चिराग के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने वाले बयान पर सवाल उठा रही है, तो आरजेडी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब सार्वजनिक होगा तभी ना उसके अनुसार योजना बनेगी कि कौन लोग हैं आज अंतिम पंक्ति में, कौन लोग मजदूरी कर रहे हैं, कौन लोग आज रिक्शा चला रहे हैं। जातीय जनगणना का जो उद्देश्य है, जो मतलब है, वो तभी पूरा होगा। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना करवाकर उसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए थे। बिहार के बाद बाकी राज्यों से भी देशव्यापी कास्ट सर्वे की मांग उठती रही है। चिराग के बयान पर बिहार से शुरू हुआ घमासान अभी थमने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।